प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी भूमाफियाओं के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला MIG थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर दी गई। फरियादी अब न्याय की आस में थाने पहुंचा है। MIG थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके द्वारा प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें करीब 4 लोगों द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पहले इन लोगों द्वारा 8 लाख रुपए नकद ले लिए गए थे, उसके बाद कुछ किश्तों में और पैसे ले लिए गए। वहीं फरियादी द्वारा प्लॉट मांगने पर लगातार आनाकानी करते रहे। परेशान होकर युवक ने थाने की शरण ली है, जहां अब वो न्याय की आस में भटक रहा है। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, इसमें एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जांच के उपरांत, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के जो MIG थाना अंतर्गत है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनके साथ में इस बात को लेकर धोखाधड़ी की गई है कि उनको एक प्लॉट दिखाया गया दीनदयाल नगर में और बताया गया कि ये प्लॉट के बदले में हम आपको ये एक्सचेंज कर लेंगे और इसके 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति से बुलाया गया जो फर्जी संपत्ति अधिकारी था। उसके माध्यम से जो दीनदयाल नगर में प्लॉट था उसकी फर्जी रजिस्ट्री कराई गई और जो आवेदक है उनके साथ में धोखाधड़ी की। इसमें से कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है सर? अभी तो प्रारंभिक तौर पर 3 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR। सर, लगभग कितनी की धोखाधड़ी का मामला है ये? जो प्लॉट MIG थाना अंतर्गत है, इसमें 22 से 25 लाख रुपए की कीमत उसमें बताई गई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।